नमस्कार साथियों, हमारे पिछले कार्यक्रम में आपने वृंदावन से आए रास नर्तकों द्वारा प्रस्तुत रासलीला देखी थी। उसी आनंद को आगे बढ़ाते हुए आज हम रासलीला तो देखेंगे ही, साथ ही इन नर्तकों से बातचीत भी करेंगे। आइए देखें ये कार्यक्रम। चलो चले साथ। I'm on it.
रासलीला आपकी देखी, क्या सुंदर वातावरण और क्या सुंदर नृत्य आपने किया। यहाँ तो कृष्ण के रूप में आप आए, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत भूषण शर्मा है। भारत भूषण शर्मा, तो आपके पिताजी जो है वो देवकी नंदन जी है ना? हाँ, उनकी तो रासलीला मैंने बहुत देखी है। और शायद आप जैसे आप ठाकुर जी के और कृष्ण के रूप में आ रहे हैं, वैसे आपके पिताजी हाँ जी पहले कृष्ण हो गए, पहले वो कृष्ण बनते थे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने जो रासलीला की शिक्षा ली, छुटपन से शुरू कर दिया? हाँ जी, बचपन से। बिल्कुल बचपन से हमने शुरू कर दिया। कितने वर्ष के थे आप? 5 साल के थे उस समय। तो इतना सारा कर लेते थे जो अब देखने को मिल रहा है? पहले थोड़ा कम और फिर धीरे धीरे करके तो बढ़ते चले गए। तो कितनी देर आप प्रैक्टिस करते थे? मतलब धीरे धीरे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5-5 घंटे ये सब रियाज करते, रियाज किया। बहुत मेहनत होती थी। हाँ, तो केवल रास की ही शिक्षा ले रहे थे उसके साथ साथ? क्योंकि इसमें तो आप, मैं देखती हूँ कि डायलॉग भी बोलते हैं आप, थोड़ी लीला रूप भी हो जाता है और फिर गाने भी लगते हैं, तो क्या गायन की भी शिक्षा ली? हाँ जी, संगीत की भी शिक्षा ली है साथ के साथ। हाँ जी, तो ये मतलब इतनी मेहनत जो आप करते रहते थे, इसमें आपको कितना समय अपने लिए मिल जाता था? मतलब थोड़ा इधर उधर घूमना? हाँ, बस थोड़ा बहुत ही। जिस समय हमने ये सीखा उस समय तो बस यही हमारे ध्यान पर था और क्रिया में भी यही था कि सब कुछ बस ऐसा ही करते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बिल्कुल एकदम तन मन से इसमें ही लग गए। इसमें ही लग गए। तो देखिए ना, उसका फल तो यही होता है कि जब मेहनत करता है इंसान तो उसका तो फल मिलता है। जितना सुंदर आप ठाकुर जी का रोल निभाते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, इतनी तो जब तक इंसान मेहनत ना करे तो उसका फल तो मिलना बड़ा मुश्किल है, और मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है। अच्छा, ये बताइए नित्य रासलीला का मतलब क्या है? रास किसे कहते हैं? नित्य रास। तो नित्य रास उसे कहते हैं जो प्रतिदिन हो, उसे तो नित्य बोल दिया, और रास उसे बोलते हैं जिसमें सभी रसों का समावेश हो। अब इसमें नृत्य के नृत्य भी है, उसमें नित्य पक्ष ज्यादा। हाँ, नित्य पक्ष ज्यादा। तो जो बोल आप करते हैं वो रासलीला? हाँ, वो रासलीला के ही होते हैं। जैसे एक बोल सुनाइए ना जरा, कौन सा बोल आपने किया था उसमें? शीश मुकुट मुरली मुखसो है, चपल नयन कुंडल जल के। जो हम लोग करते हैं कथक में, हम लोग भ्रमरी जिसको चक्कर कहते हैं, वो घुटने पर नहीं लेते। ये घुटवन नृत्य को आप लाए, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा जो घुटने पर इस तरीके से घूम के। ये घुटवन नृत्य नहीं, ये है मयूर नृत्य। अच्छा, तो श्री जी मतलब राधा जी, ये जो श्री जी का आप रोल करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं लड़के से लड़की में क्यों परिवर्तित हो गया हूँ, और लड़की बन के क्यों, लड़की की वेशभूषा बन के क्यों मैं नाच रहा हूँ? कैसा लगता है आपको? मुकुट धारण के बाद में हमको ये मालूम नहीं रहता है कि हम त्रिलोकी ही हैं या कोई और हैं।
हमको ये मतलब उस भावना में चले जा। हाँ जी। जब ही शाम मेरे खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली और खिड़की कर गई चररररररर, खिड़की कर गई चररररररररर, ओ रात शाम सपने। अभी अभी मैंने आपको गोपी का भाव करते हुए देखा नित्यरास में, तो कितनी उम्र से आप इस नृत्य को अपनाए हुए? लगभग 10 वर्ष के। 10 वर्ष में आप आ गए? हाँ। आप स्कूल जाते हो? जाते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? नौवीं क्लास। हाँ। में ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में गायन भी सीख रहे हैं, फिर नृत्य भी सीख रहे हैं और फिर इतने पद भी याद कर रहे हैं, ये तो बड़ी तारीफ की बात है। तो मतलब ये समझ में आती है बात हमारी तो कि जब कोई भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के साथ में वो गायन नहीं सीखता या नृत्य नहीं सीख सकता, वो तो सभी कुछ कर सकते हैं। सभी। और अगर मन है, जहाँ पर लगन है, तो उस लगन को रखते हुए आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो बड़े तारीफ़ की बात है।